बिहार के गया जिले में जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट समिति की वार्षिक बैठक संपन्न हुई, जिसमें विद्यालय के निदेशक डॉक्टर सी बी सिंह, प्रिंसिपल डॉक्टर एच के पांडे, नेशनल ह्यूमन राइट एंड पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट के संस्थापक सह मुख्य सचिव गणेश सिंह, डॉक्टर विनय सिंह, विद्यालय प्रबंधन समिति के अभिभावक प्रतिनिधि श्रीमती शर्मा व कई सदस्य व शिक्षक के साथ साथ कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस बैठक में विद्यालय की गतिविधियों, आगामी सत्र की योजनाओं के साथ साथ विगत दिनों छात्र की हुई दुखद घटना पर विचार मंथन के बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रबंधन समिति ने इस दुखद घटना से सीख लेते हुए निर्णय लिया है कि इस वर्ष से विद्यालय की सभी छात्र छात्राएं, शिक्षक व कर्मचारियों के भांति निःशुल्क स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा कराया जाएगा व यह बीमा योजना दिवंगत विद्यार्थी कृष्ण प्रकाश की स्मृति को समर्पित होगी। बीमा योजनाओं के विस्तार विद्यालय में विद्वान अंगभूतों अतिथियों के लिए भी होगा, इस संभावना का काम चल रहा है। विद्यालय की वर्तमान बास्केटबॉल कोर्ट के स्थान पर एक स्विमिंग पूल का निर्माण पूरा करा लेने की भी योजना है। ज्ञात हो कि विद्यालय में सभी स्कूली खेलों एवं एडवेंचर गेम की पहले से ही व्यवस्था है। प्रबंधन समिति ने स्पष्ट किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु की कोई विशेष कारण नहीं मिली है। जांच अधिकारी विस्तार रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं और विद्यालय परिवार और बच्चे के माता पिता भी निधन का सही कारण जानना चाहते हैं। कॉन्फ्रेंस का क्या करना जी, विद्यालय में आज वार्षिक बैठक थी प्रबंध समिति की और कई सारे निर्णय लिए गए, कई सारे विकास के निर्णय लिए गए। उन्हीं निर्णयों में एक हमारी जो मुख्य बात थी कि हमारा जो होनहार एक विद्यार्थी कृष्ण प्रकाश जिसका देहांत हो गया था, उसकी स्मृति में कई सारे कार्यक्रमों का संचालन विद्यालय के द्वारा अभी से किया जाएगा, इसका निर्णय लिया गया। और ये जिस अभी हमने प्रेस वार्ता में आपको बताया कि उसके नाम पर कई सारी योजनाएं, पार्क का नाम, कई सारी पुरस्कारों के नाम हम लोग दे रहे हैं ताकि वो बच्चा हमारे दिल में तो हमेशा रहेगा, ये विद्यालय भवन में हमेशा अमरत्व को प्राप्त रहे, हमेशा रहे विद्यालय का। क्या क्या योजनाएँ एक जो योजना हमारी आप हुई है कि कृष्ण प्रकाश मेमोरियल हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस प्लान, इसका प्रोग्राम का नाम है। इसमें कई सारी बीमा योजनाओं से मिलकर हम लोग एक प्रोग्राम बनाए हैं जिसमें बच्चे, हर बच्चे की बीमा होगी, हर अभिभावक की बीमा होगी जो कैंपस में उस वक्त विद्यमान है, टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ की तो पहले से ही है। तो ये योजना का नाम एक नई शुरुआत हुई है। इसके अलावा दूसरा हम लोगों ने शुरू किया, एक स्विमिंग पूल का निर्माण शुरू होने जा रहा है। हम लोग एक पार्क का भी नाम बच्चे के नाम पर रखने जा रहे हैं, कृष्ण प्रकाश के नाम, कैंपस के अंदर एक पार्क बनाया जा रहा है, बॉटनिकल गार्डन, उसका नाम हम उस बच्चे के नाम पर ही रखने जा रहे हैं। बहुत सारी बातें आई हैं इसमें घटना के बाद, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हमें बहुत दुख है, हमने एक अपने विद्यालय का होनहार विद्यार्थी खोया है, गया ने एक अपना सपूत खोया है, और सबसे बड़ी बात ये पता नहीं चला किसी भी रिपोर्ट से, किसी भी माध्यम से, कि बच्चे के निधन का कारण क्या था। हम ये जानने की चेष्टा में लगातार लगे हुए हैं और हम पुलिस की जांच में पूरी सहयोग कर रहे हैं, हर तरह से, हर कदम, कि बच्चे के बारे में पता चले, कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसे ज्ञात हुआ है कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, अब FSL मिश्रा रिपोर्ट की प्रतीक्षा है और हम चाहेंगे कि कारण पता चले, क्योंकि विद्यालय के अंदर जो भी CCTV फुटेज की जांच हम लोगों ने खुद या पुलिस ने की है उसमें इस तरह के किसी भी गतिविधि का कोई पता नहीं है। उस बस में बैठने वाले हर बच्चे से बात हुई है, उस बच्चों के अभिभावकों से बात हुई है, उस बस में ऐसी कोई घटना नहीं घटी जहाँ बच्चा गिरा, वो फेंट होकर के गिर गया, क्लास के हर बच्चे से, क्लास टीचर ने बात की सब बच्चों से, एक एक करके पूरे विद्यालय को हमने छान मारा कि कहीं कोई ऐसी घटना घटी क्या जिसकी वजह से विद्यार्थी छुट्टी के समय में ऐसी घटना घटी। छुट्टी के समय जब 700 बच्चे बाहर होते हैं, सारे टीचर बाहर होते हैं, कोई अंदर नहीं होता, उस समय की घटना है, तो इस घटना में अगर कहीं कुछ होता तो कोई ना कोई ज़रूर देखता, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं दिखा। फिर भी हम इस माता पिता के इस क्षति के लिए जो क्षय हुआ है इसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता। हमारा बच्चा था, लेकिन जिनका वो अपना बच्चा था उस माता पिता के दर्द को मैं समझ सकता हूँ, उनकी कितनी पीड़ा होती होगी। तो शिक्षक का नाम आ रहा है, उसके बारे में बताया गया, शिक्षक के बारे में जैसे आपको बताया गया कि शिक्षक के ऊपर ये आरोप है, क्योंकि शिक्षक का स्वभाव ऐसा नहीं था, वो एक 3 साल से हमारे विद्यालय में काम कर रहे थे, कभी कोई इस तरह का आरोप, कोई भी रिपोर्ट पिछले 3 प्रिंसिपल्स के द्वारा कभी हमारे मैनेजमेंट को नहीं की गई थी। इसलिए ये जानकारी हमको जो मिली है कि शिक्षक का नाम यूं ही आ रहा है, क्योंकि उस क्लास में उन्होंने 4th पीरियड लिया था शायद, लेकिन वो कहीं मार पिटाई जैसी कोई बात कहीं किसी स्रोत से मुझे पता नहीं चला। सर, उसके बैचमेट है, वो बोल रहे हैं कि शिक्षक ने मारपीट की थी बच्चे में। सर, हमें इस बात की जानकारी नहीं है।
हमने क्लास के सब बच्चों से बात किया, हमारे क्लास के बच्चों ने नहीं बताया, एट क्लास के बच्चों में से कोई किसी बच्चे स्कूल के प्रबंधन पर जो आरोप लग रहे हैं इसको लेकर कई तरह के राजनीतिक संगठन भी सामने आए, इस पर आपका क्या कहना? मैं विद्यालय को विद्यालय ही रहने दिया जाए और राजनीति को राजनीति रहने दें, और इसका विभाजन जो फाइन लाइन है कि विद्यालय को राजनीति में नहीं जाना है, इसका अधिकार मीडिया को है, मीडिया इसको बचाए। विद्यालय में अगर राजनीति कूद पड़ेगी तो विद्यालय टूट जाएगा।